हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी बेसिक्स पर। आज हम करेंगे कक्षा छठी गणित चैप्टर नंबर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। आपको पांच रिक्त स्थान दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले पूछा गया है 1 लाख बराबर -10,000, यानी 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर -100,000, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर -10,00,000, यानी 1 करोड़ में कितने 10,00,000 होते हैं। और इसी तरह 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाख, मिलियन, करोड़, 10 करोड़ क्या होता है, यानी आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की अलग अलग दो वीडियोज़ बनाई हुई है, उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको अपनी क्लास की कक्षा छठी की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें लिखा होगा अपनी संख्याओं की जानकारी चैप्टर नंबर फर्स्ट, उस पर क्लिक करके आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की अलग अलग वीडियोस मिलेगी। आप उनको देख लीजिए, दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आपको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पहले ही जानकारी है तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 लाख बराबर -10,000, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ 100 में कितने 10 होते हैं, यानी कितने 10 मिलकर 100 बनाएंगे, तो आप बता देंगे कि 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10 और 10, 10। 10 मिलके कितने बनाते हैं, 100 बनाते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक 10 का नोट है और आपको 100 रुपये बनाने हैं, तो आपको 10 के कितने नोट चाहिए ताकि आपके पास कुल 100 रुपये हो जाए। तो आपको 10 के 10 नोट चाहिए, तभी आपके पास 10 × 100 रुपये होंगे। तो यानी कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, आपसे पूछा जाए कि 100 में कितने 10 होते हैं, तो आपको करना क्या है, 100 को इस 10 से भाग कर देना है। और जब आप 100 को 10 से भाग करोगे, 10 × 10, 10 × 100, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 10, यानी कि 100 में 10 होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 में कितने 10 होते हैं, 200 में कितने 10 होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास 10 का एक नोट है और आपको 200 रुपये बनाने हैं, तो आपको 10 के कितने नोट चाहिए। आपको पता है कि आपको 10 के 20 नोट चाहिए, तभी आपके पास 20 × 200 रुपये बनेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि 20 नोट चाहिए, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस 200 को इस 10 से भाग देना है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 20 नोट। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि 1 लाख बराबर -10,000, कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। सबसे पहले 1 लाख और 10,000 को अंकों में लिखना है। तो 1 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं अंकों में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमें बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो आप सीख गए हैं कि 1 लाख को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख को हम 10,000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10,000। अब देखो 10,000 में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी 4 जीरो को हम 1, 2, 3, 4, इसकी 4 जीरो से काट देंगे और आपके पास बचेगा 10। तो जब भी हम 1 लाख को 10,000 से भाग करेंगे, आपके पास उत्तर आएगा 10। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 लाख बराबर 10,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर -100,000,
एक मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलियन को अंकों में लिखना है और 100,000 को अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक मिलियन को। मिलियन को कैसे लिखा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर आता है मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर आता है मिलियन। अब आपको बताना है कि एक मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 100,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। तो 100,000 को हम इस प्रकार लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति की संख्याएं हैं ये दोनों। अब हमें बताना है कि एक मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। वैसे तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी 5 जीरो जब हम काटेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो हम भाग करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक मिलियन लिख देंगे और नीचे लिख देंगे हम 100,000। तो जब हम 1, 2, 3, 4, 5, इसकी 5 जीरो को 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5 जीरो से काटेंगे, यानी एक मिलियन को 100,000 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो इसका मतलब एक मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10 100,000 होते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा एक मिलियन बराबर 10 100,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर -10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो आपको यही काम करना है, इन दोनों संख्याओं को आप अंकों में लिख लीजिए। तो 1 करोड़ को हम कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बन गया हमारा 1 करोड़। तो ये बन गया हमारा 1 करोड़। अब 1 करोड़ को हम भाग करेंगे किससे, 10 लाख से। तो 1 करोड़ को हम 10 लाख से भाग कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 करोड़ को हम 10 लाख से भाग कर देंगे। अब 10 लाख में कितनी जीरो है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इसकी 3 जीरो इससे, 2 जीरो इससे और 1 जीरो इससे कट जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 10। तो इसका मतलब 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं। आपको सिर्फ इस बड़ी संख्या को इस छोटी संख्या से भाग करना है, जो भी भाग करने के बाद बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं, यानी अगर आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं और मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का नोट है, वैसे होता नहीं है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का नोट है, तो आपको कितने नोट चाहिए कि आपके पास कुल 1 करोड़ रुपया बन जाए। तो आपको 10 नोट चाहिए। अगर आप 10 लाख को 10 बार जोड़ोगे तो आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर -मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को अंकों में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 करोड़ को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को हम किसके साथ भाग करेंगे, मिलियन के साथ। तो 1 करोड़ को जब हम मिलियन के साथ भाग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो 1 करोड़ को मिलियन के साथ भाग करना है, इसमें कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी 6 जीरो को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी 6 जीरो से काट देंगे और आपके पास बचेगा 10 उत्तर। तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है पहले का, 1 मिलियन बराबर -लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 मिलियन लिख दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब इस मिलियन को 1 लाख से भाग कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख में कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5 जीरो से काट दो और आपके पास उत्तर आ जाएगा 10।
तो आपके पास क्या आ गया कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। अब आपकी क्लास के बच्चे क्या करते हैं कि इसका रट्टा मार लेते हैं कि 1.1 के पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 10 10 आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि 10 10 10 आया कैसे है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनको अंकों में लिखना है सभी को, फिर इस बड़ी संख्या को इस छोटी संख्या से भाग करना है तो आपके पास 10 आएगा। अगर आपके पास आपके एग्ज़ाम में इससे अलग क्वेश्चन आ गया तो ज़रूर नहीं है उसका आंसर भी 10 ही होगा। हो सकता है आपसे पूछ ले 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो जब आप 1 करोड़ को लाख से भाग करोगे तो आपके पास 100 आएगा, लेकिन 10 लाख से भाग करोगे तो आपके पास 10 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 10 कैसे आया है, तभी आप मैथ में अच्छे नंबर ले सकते हो, तभी आप मैथ को अच्छी तरह से सीख पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे जब मैं इनको अंकों में लिखता हूँ, जब मैंने इन संख्याओं को अंकों में लिखा तो कई बार तो मैं क्या पढ़ रहा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और कई जगह मैं लिख रहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हज़ार, 100 हज़ार, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो जो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है या लाख है या करोड़ है, ये हमारा होता है भारतीय संख्याकन पद्धति। भारतीय संख्याकन पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख और करोड़ को लिखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम क्या लिखते हैं, इकाई को लिखते हैं, दहाई को लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, सैकड़ा के बाद हम हजार, हजार के बाद 10 हज़ार, 100 हज़ार और हज़ार के बाद आता है हमारा मिलियन, इसमें लाख और करोड़ नहीं आता। तो मिलियन के बाद 10 मिलियन और 100 मिलियन, मिलियन के बाद आता है इसमें बिलियन। तो ये आपको ध्यान रखना है।